2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए कर्नाटक स्टेट से जनता दल सेकुलर का बीजेपी के साथ अलायंस के फैसले के बाद अवाम के बीच इस बात की बेचैनी थी कि जनता दल सेकुलर में जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनका क्या फैसला रहेगा। गुलबर्गा शहर से नासिर हुसैन उस्ताद ने बरोज इतवार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें गुलबर्गा नॉर्थ के कुछ अहम जेडीएस लीडर्स और वर्कर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में इस बात को जाहिर किया गया चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो बीजेपी के साथ अलायंस के फैसले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नासिर हुसैन उस्ताद एक मिल्ली लीडर हैं और हमेशा से बीजेपी और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। अगर देवी गौड़ा और कुमार स्वामी बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं तो जेडीएस पार्टी की मुखालिफत की जाएगी। इस मीटिंग की डिटेल बताते हुए जेडीएस लीडर अफजल महमूद ने कहा, कुछ दिनों में सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं नासिर हुसैन उस्ताद की सरपरस्ती में पूरे हैदराबाद कर्नाटक रीजन से जेडीएस मुस्लिम लीडर्स और वर्कर्स को एक जगह जमा कर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस मीटिंग से यह मैसेज दिया गया है कि मुसलमान किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम का मकसद बीजेपी को इख्तदार से हटाना है। आने वाले कुछ ही दिनों में तमाम हैदराबाद कर्नाटक रीजन में मौजूद जेडीएस मुस्लिम लीडर्स के साथ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा जिससे मिली विकार को बरकरार रखा जाए। अफजल महमूद ने जेडीएस बीजेपी अलायंस मामले पर मजीद क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले कई दिनों से रियासत कर्नाटका में ये सरगोशियाँ चल रही थी कि कुमारस्वामी साहब बीजेपी के साथ अलायंस कायम करने वाले हैं और एनडीए में शामिल होने वाले हैं। वजह बहुत सारी मुमकिन है और अपनी मजबूरियों का इजहार देवेगौड़ा साहब ने किया, लेकिन किसी भी सूरत में एनडीए के साथ में जनता दल सेकुलर का अलायंस में उसका पार्ट बनने का जो फैसला है वो यहाँ पर गुलबर्गा शहर में नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके हामियों को कबूल नहीं है। इसी सिलसिले में गुलबर्गा शहर में कल बरोज़ इतवार एक अहम तरीन इजलास मुनक़िद किया गया था, हंगामी इजलास था। जिन लोगों को इत्तलात हासिल हो सकी वो लोग वहाँ पर पहुँचे और अपने ख्यालात का इजहार किया और सभी के सभी बिल इत्तेफाक़ ये बात तय कर लिए कि किसी भी सूरत में इस इत्तेहाद को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में हर कोई जानता है वो किस किस्म के इकदामात उठाती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जनता दल सेकुलर का शामिल होने का एनडीए में ऐलान करना या फिर उसका हिस्सा बनने के लिए बातचीत शुरू करना ये बड़ी ही हमारे लिए तकलीफ़देह बात है। जिस पार्टी के ख़िलाफ़ में मुसलसल हम अपना ऐलान करते आए हैं, अपने बयानात देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते आए हैं और उसके ख़िलाफ़ में जद्दोजहद करते आए हैं, अगर उसी के साथ में अलायंस की बात चलती है तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ़देह बात है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब और तमाम तर हामी कल के इजलास में एक फैसला लिए हैं कि तमाम तर हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हम ख्याल लोगों को मदु किया जाए और गुलबर्गा शहर में एक से दो हफ्ते के अंदर एक और बड़ा इजलास मुनक़िद किया जाए और उसके अंदर एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए और हम ख्याल लोगों को जोड़ा जाए और उसके बाद एक फैसला लिया जाए। फौरी तौर पर जज्बात में अभी के अभी कोई फैसला ना लेते हुए एक से दो हफ्ते के लिए इस बात को जब तक के कोई बड़ी मीटिंग में बात नहीं की जाएगी और लोगों से उनको मौका नहीं दिया जाएगा हमें साथ जुड़ने के लिए, कोई भी किस्म का फैसले का ऐलान करना अभी के सूरत में हम लोगों ने उसको रोका है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब इंशाअल्लाह एक से दो हफ्ते में जब वो मीटिंग तलब की जाएगी और उसमें तमाम तर लोगों को हम ख्याल किया जाएगा, उसके बाद एक अहम तरीन फैसला लेकर आपके सामने ज़रूर आ जाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से नासिर हुसैन उस्ताद साहब को हमेशा एक मिल्ली लीडर की हैसियत से देखते आए हैं वही तरीके से हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाते रहेंगे और हमारा काम
मिल्लत की बखा के लिए, मिल्लत की फलाह के लिए जो करना है उसको हम करते रहेंगे। कोई भी हमें मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए काम करने से रोकने वाली पार्टी में शामिल होने के लिए, उसका साथ देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हमारा ये समझना है कि भले जनता दल सेक्युलर और उसके सरबरा देवेगौड़ा साहब और कुमार स्वामी साहब येदियुरप्पा से मुलाकात करें और उसके बाद में कोई ऐलान करें, उससे पहले हमारा कोई भी इकदाम अभी के लिए गैर वाजबी होगा। इंशाअल्लाह एक से दो हफ्ते के अंदर जब मुकम्मल तौर पर कोई ऐलान सामने आ जाएगा तब हम लोग आपके बीच में आएंगे, नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपके बीच में आएंगे और अपने फैसले को आपके सामने रखेंगे। तमाम तर उनके हम ख्याल लोगों को साथ में लेकर, तमाम तर जो इलाके के जिम्मेदार हैं, पार्टी के अंदर मुस्लिम कायदीन हैं, उनको साथ में लेकर आपके बीच में आएंगे और अपना एक अहम इजलास में वो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक अहम तरीन फैसला आपके सामने जरूर रखेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।